बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमारे पूर्वज हमारे बाप दादा हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए। आज हम लोग केवल हम अनुसूचित जाति ने ये पूरा 85% समाज जो है, जिसको हम लोग पिछड़ी जाति कहते हैं, जो बहुजन है देश का, जो मूल निवासी है देश का, अगर वो आज हम एक साथ बैठ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का खून पसीना है, हमारे पूर्वजों का डीएनए है जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है। एक बार आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, इस डीएनए को भी हम लोगों को नमन करना चाहिए जो डीएनए हमारे खून में दौड़ रहा है। हमारा मूल उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अलावा हमारे महापुरुषों का जयंती मनाना नहीं, हमारा उद्देश्य, हमारा जो विरासत है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो अधूरा मिशन है, उसको पूरा करना है। जयंती मात्र मनाने से हम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जयंती मनाना हमारा एक बहाना है, हमारे लोगों को जमा करना है, हमें अपने बच्चों को, अपने साथियों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना है। महामानव ज्योति वाला फूले जो पिछड़ी जाति के मालिश समाज से बिलोंग करते थे, बिलोंग करते हैं, उनका कहना था, और वो आज भी वो लॉजिकल है, वो साइंटिफिक ट्रूथ है, कि जब तक देश की युवाओं का जो भीड़ है, यदि वो स्कूल कॉलेज की ओर जाता है, तो भारत देश शिक्षा में जो विश्व गुरु आज कह रहे हैं, आज मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु है, इस बात को आप लॉजिकली में सोचिए, भारत विश्व गुरु कब था? जब इस देश में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया बनाने वाले कौन थे? हमारे बाप दादा। मैं सीनट ठोकर कहता हूँ, मैं प्रमाण के साथ में कहता हूँ, मेरा बस प्रमाण है, पूरे दुनिया में तीन ही संस्कृति है, सभ्यता है, जो महान सभ्यता है, कौन कौन है? मेसोपोटामिया की, मिस्र की और सिंधु घाटी की। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हमारे बाप दादा का इतिहास है, हमारे बाप दादा ने वो विरासत को, वो संपत्ति को अर्जा है। आप समय निकाल कर वहां जाइए, कभी उसको देखिए, तो लगेगा वो हमारा प्रॉपर्टी है। जिस समय भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह महान संस्थान हुआ करते थे, हमारे बाप दादा का वो संपत्ति था। आज भारत गरीबी की स्थिति में, शिक्षा की स्थिति में, रोजगार की स्थिति में, भारत का जो पायदान है इतना गिरता जा रहा है, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को हमारे पूर्वजों का जो शिक्षा है, पूर्वजों का जो इतिहास है, उसका जो मिशन है, वो बतलाना पड़ेगा। और एक दिन से नहीं होता है, ये धीरे धीरे चलता है, ये लंबा समय चलेगा, लेकिन परिवर्तन हमें दिमाग में लाना पड़ेगा, हमें सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि हम सोच में परिवर्तन करते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें शिक्षा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? शिक्षा लेते ही नहीं है। शिक्षा लेते हैं तो अकेडमिक शिक्षा लेते हैं, सामाजिक शिक्षा लेते ही नहीं है। हम इतिहास को जानते ही नहीं है। और इस देश की व्यवस्था जो है, सो क्या बोलता है कि आज पढ़ना ही बंद कर दो, आज पर लोगों को माइंड कंसंट्रेट नहीं करवाता है। क्यों? कि यदि आप अपना इतिहास जान जाएंगे तो नया इतिहास बना देंगे, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया। वो ऐसा इतिहास बनाया जो आज तक पैदा नहीं हुआ उसको तोड़ने वाला, उसकी बराबरी करने वाला। तो ये हम वही खानदान से, वही खुद से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और मैं भरोसा दिलाता हूँ आप सब उस खानदान से बिलोंग करते हैं। तो साथियों, आप शिक्षा की ओर अग्रसर होइए। हमारे पास एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास जगह जमीन नहीं है, हमारा समाज का सामाजिक स्थिति मजबूत नहीं है,
हमारे लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, हमारे लोग मीडिया में नहीं है, तो हमको करना क्या पड़ेगा? शिक्षा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आप शिक्षा जब पाएंगे तो आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो जी जान लगा करके कम खाइए और कम घर बनाइए, बच्चे को जी जान से पढ़ाइए। आप देखते होंगे भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? भारत में नहीं पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है। इसलिए शिक्षा की ओर अग्रसर होना है। ये अपने घर में अपने पूर्वजों का तस्वीर लगाइए, उनके बारे में बताइए। सुबह शाम आप जो गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहिए, लेकिन आपकी दिन की शुरुआत जय भीम से होना चाहिए, जय गुरुदेव से होना चाहिए, जय मूलनिवासी से होना चाहिए, जय बहुजन से होना चाहिए। इसको समझने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। और हमें अपने साथ बच्चे को, अपने साथ हमारी बहने को, हमारी माताओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या बताए हैं कि मैं उस राष्ट्र का विकास तभी मैं नाप सकता हूँ जब उस राष्ट्र की माताएं, उस राष्ट्र की महिलाएं शिक्षित हो। तो हम शिक्षा लेते हैं, हमारी महिलाएं शिक्षा लेती नहीं है। तो आपके घर में लोग आते हैं और फोड़ करके निकल जाते हैं। आपके घर में दुश्मन बेडरूम तक पहुंच चुके हैं। कौन सीरियल कौन देखता है, किसको क्या चाहिए, वो टीवी के माध्यम से आपको माइंड ड्राइवर करते रहते हैं और हम लोग बाहर घूमते रहते हैं। तो हमें अपने साथ बच्चों को, महिलाओं को, सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, जो काम कर रहे हैं समाज में उसको सहयोग करना है। और हिम्मत हम लोग को देना, हिम्मत तोड़ना नहीं है। जब हमारे पूर्वजों का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म दिवस हो, सतगुरु रविदास महाराज जी का हमारा जो महोत्सव हो, वैसे जगहों पर आप जो उस दिन पूरा परिवार जाइए, सहयोग दीजिए, वहां पर जाइए। तो क्या होगा, आप एक विचार से जुड़ेंगे। जब आप विचार से जुड़ेंगे तो आप मजबूत बनेंगे, आपकी संख्या बढ़ेगी। और जब तक आप विचारों से नहीं जुड़ते हैं तो हम कमजोर हैं, आप कमजोर हैं। मानवर काशीराम साहब ने क्या बोले कि जगाया उसे जाता है जो जिंदा है। मुर्दा भी जगाने का सकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है। तो हमारे लोग जीवित हैं, थोड़ा उसका पुस्तक करने का सकता है। मनवर काशीराम साहब ने क्या बोले कि आप अपने समाज को जितना मजबूत करेंगे, यदि आपका समाज जागरूक हो गया तो देश में, राज्य में सत्ता व्यवस्था आपकी होगी। अभी आप देखिएगा झारखंड की, बिहार का, यूपी का, अभी देखिए राज्य व्यवस्था में कौन वर्ग के लोग हैं और आप क्यों नहीं है, क्योंकि हम जगह में नहीं हैं। हम कह सकते हैं हम जगह नहीं है। जब आप चुनाव की बात आते हैं तो आप जो है सो धर्म की ओर मुड़ कर जाते हैं। लोग आपको कहते हैं आप हमारे धर्म के लोग हैं। जब आप हक के लिए लड़ते हैं तो आप दलित बन जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए, हमारे पूर्वज ने दलित नहीं कहा। गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक इतिहास को अगर आप स्टडी करेंगे तो कोई भी महापुरुष ने दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो दलित आपको छपा गया है, हम दलित नहीं है। आप बोलिए तो मैं अनुसूचित जाति हूँ, आप बोलिए मैं बहुजन हूँ, आप बोलिए मैं मूल निवासी हूँ, ये देश हमारा है, देश के रहने वाले हम हैं। आप दलित, आप अपने आप को बोलते तो आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम कमजोर नहीं है। देश में हमारी आबादी इतनी है कि हम देश की तख्त व्यवस्था को चुटकी में पलट सकते हैं। केवल हमें जागरूक कर सकता है। आपको बता दें अनुसूचित जाति एक ऐसी कैटेगरी है जो भारत के कोने कोने में पाई जाती है। और 2022 में अभी इंडिया में सेंसस नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है,
सामाजिक संगठन के लोगों ने जनगणना किया, जिसमें पाया गया कि अनुसूचित जाति के लोग देश में 35 करोड़ लगभग, और देश में जो सत्ता बनी कितना, 16 करोड़। यदि हम 35 करोड़ का आधा जगा दिए देश में, सत्ता राज व्यवस्था हमारा है, तो कब करेंगे हम? ये हमें करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को शिक्षा में अग्रसर करना पड़ेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाना पड़ेगा, राजनीतिक में हमें जाना पड़ेगा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है रोजगार पर हमको मूव करना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं है तो हम रोड पर मारे जाएंगे, भूखे मारे जाएंगे। हमें समाज में संगठन का निर्माण करना है। कैसी संगठन? हमारे पास संगठन है केवल ज्वाइन करना है, हमारे पास क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। बामसेफ का नाम सुने होंगे आप लोग, 35 कंट्री में संचालित था बामसेफ। भीम आर्मी आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिए आप। तो ये हम लोगों को संगठन से जुड़ना है, ऐसे संगठन से जो आपकी मान सम्मान की ख्याल रखता है, इज्जत की ख्याल रखता है, जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ा रहता है, तो वैसे संगठन से जुड़ना है। और हमें अपने समाज को एकजुट करना है, अपने समाज में शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है, अपने लोगों को शिक्षा को अग्रसर करना है, अपने लोगों को रोजगार में आगे बढ़ाना है। हमें राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा, हमें धार्मिक रूप से मजबूत होने का सकता है। आज हम धार्मिक रूप से कमजोर है, इसलिए हम दिख रहे हैं आपको। मैं बता दूं लॉजिकल चीज, ये रिसर्च का विषय है। भारत में मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग का मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं सत्ता सम्मान करता हूँ। भारत में जाति और धर्म का कहकर लोग सत्ता पर पहुंच गया, तो हमारा जो है, हम धार्मिक रूप से मजबूत नहीं है। सिख समाज के लोग बुधवार को जमा होते हैं कहाँ? गुरुद्वारा में। क्रिश्चियन समाज के लोग जमा होते हैं संडे को चर्च में। हमारे मुस्लिम समाज के लोग जमा होते हैं रोज डे शुक्रवार कहाँ? मस्जिद में। आप कहाँ जमा होते हैं? कहीं हमारा जगह ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1956 में हमें एक धम दिया, कौन? बुद्ध का धम, धर्म नहीं, बुद्ध का धम। हम लोग वो भी नहीं अपना पाए, नहीं हम बुद्ध विहार बना पाए। अगर बुद्ध विहार हम बना लेते तो हम प्रत्येक बुधवार वहां जमा होते। मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, वो लोग अपने अपने जगह हम जमा होते हैं एक दिन में, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक चर्चाएं करते हैं, समाज की समस्याओं की चर्चा होता है और वहां उसका उत्थान होता है। तो हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सांगठनिक रूप से हमको एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो सब अपने पूर्वजों का जो मिशन है, पूर्वजों का जो खून पसीना है, उसको हम पूर्ति कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 130वीं जन्म जयंती समारोह में, और आप सभी ऐसे ही एकजुट होकर के केवल बाबा साहब की जयंती नहीं, बाबा साहब ने अपना गुरु सतगुरु दास महाराज जी को माना है, कबीर जी को माना है, ज्योति बाला फुले जी को माना है, ललित सिंह यादव जी को माना है, तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अलावा हमारे और भी पूर्वजों का जन्म दिवस मनाना चाहिए और उनकी विचार को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, हमें खुद पढ़ना है, तब हम जाकर के आगे बढ़ सकते हैं, अपने पूर्वजों का जो है सपनों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय गुरुदेव।